मेरे को कि फिजिक्स क्लास सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इट मींस अगर हमारे पास एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हमें करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो ओम्स लॉ यूज करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस अगर हमें पता है, वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं उससे। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, अगर हमने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो तो वहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, देन वी विल यूज द किरचॉफ्स लॉ, देन वी विल यूज द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमें यूज करना पड़ेगा फॉर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट। सो किरचॉफ लॉ इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट आर किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ होते क्या हैं? किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, उनके रूल्स क्या क्या हैं लेट अस डिस्कस। फर्स्ट रूल किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड अनदर नेम इज फॉर दिस दैट इज जंक्शन रूल और करंट लॉ भी इसको कहते हैं, जंक्शन रूल और करंट रूल, जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको, करंट रूल भी बोला जाता है क्योंकि ये करंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है पहले हम ये देखते हैं। इट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट पॉइंट्स। सपोज करो कि ये पॉइंट है, इस पे कई वायर्स कनेक्ट हैं, एक ही पॉइंट से कई वायर्स कनेक्ट हों तभी वो कॉम्प्लेक्स सर्किट कहलाता है। अगर एक ही पॉइंट से एक ही वायर कनेक्ट हो, मतलब एक ही इन हो रही है और एक ही आउट हो रही है, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता। सो हेयर यू कैन लुक एट दिस इज अ पॉइंट, ओके, वायर्स, करंट इज पासिंग थ्रू देम। सपोज दिस इज द आई वन करंट, दिस इज आई टू करंट। आई वन एंड आई टू आर द इनकमिंग करंट्स जो अंदर की तरफ आ रहे हैं। ओके, आई थ्री, आई फोर एंड आई फाइव आदि करंट्स विच इज गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे इनवर्ड करंट कौन कौन से हुए? आई वन एंड आई टू, ये दोनों इनवर्ड करंट्स, इनवर्ड करंट्स। ओके, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव आर आउटवर्ड करंट्स, इनवर्ड करंट्स, और बाकी तीनों क्या हुए? आउटवर्ड करंट्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। किरचॉफ फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट एट अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स सर्किट सम ऑफ इनवर्ड करंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटवर्ड करंट्स। मतलब एक सर्किट में जितने करंट एंटर कर रहे हैं उनका सम और जितने करंट लीव कर रहे हैं उनका सम सेम रहता है। फ्रॉम दिस इट मीन्स आई वन प्लस आई टू इक्वल्स आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। इट मीन्स दिस इज द सम ऑफ इनवर्ड करंट। इनवर्ड करंट कौन कौन से थे? आई वन, आई टू, और आउटवर्ड करंट कौन कौन से थे? आई थ्री, आई फोर एंड आई फाइव। ओके,
So these are the currents inward, these are the currents outward. Sum of inward current must be equal to sum of outward currents. Inward currents आपने लेने हैं positive और outward current क्या लेने हैं negative. अगर आप उनको भी इस तरफ लेके आए तो क्या बनेगा, I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 must be equal to zero. This is called summation या sum of total current in a circuit. Sum of total currents flowing in a circuit is zero. Now it means you can also say that the statement of the first law is the sum of total current flowing through the circuit is always zero. Sum of total currents flowing through the circuit is always zero. By convention you should know that inward current must be taken as positive and outward current must be taken as negative. Suppose this I1 is 5 ampere, I2 is 7 ampere. Then this I3 is 3 ampere, this is 5 ampere, this must be 4 ampere. The total inward current कितना sum हुआ 12 ampere, तो outward current का sum भी कितना होना चाहिए 12 ampere ही होना चाहिए. Okay? So this was the case कि inward current का sum outward current के sum के बराबर होना चाहिए. This is the Kirchhoff's first rule. This is the Kirchhoff's first rule. This is based on law of conservation of charge. हम पढ़ते थे कि एक सर्किट में टोटल जो चार्ज होता था वो सेम रहता था, तो चार सेम है, चार से करंट बनता है, इसलिए जो करंट है वो भी क्या रहेगा सेम. यहाँ पे मैंने जो नीचे लिखा है दैट इज समिशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, इट मीन सम ऑफ टोटल करंट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज जीरो. ओके, नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द Kirchhoff's second rule. This is the time for discussing the second rule. Second rule is also called loop rule. Loop rule क्योंकि closed surface पे लगेगा, और you can say it as voltage rule. पहला होता है current rule, ये है voltage rule. वोल्टेज रूल को समझने के लिए पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं. इट स्टेट्स दैट सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट्स एंड ईएमएफ ऑफ ऑल सोर्सेस in any circuit is always zero. समझने की कोशिश हमने करनी है इसको. क्या है, देखो एक सर्किट बना रहा हूँ मैं आपके सामने. ये फर्स्ट बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे. ये इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है. नेम दे देता हूँ मैं A B C D E F. ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट है. इस क्लोज सर्किट में जितने भी वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस में हैं कौन कौन सी वोल्टेजेस अक्रॉस एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स कौन कौन से, बैटरी के अलावा जो भी चीज़ लगी हो वो एलिमेंट्स होती है. मान लो इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए, ये एलिमेंट्स हैं इसके, इनके क्लोज जितनी भी वोल्टेज आ रही है. ओके, एंड EMF all the sources, जो सोर्स हैं, जो बैटरीज होती हैं, वो सोर्स होती है जिनसे करंट आता है, उनका जो EMF होगा उनका सम सभी का जीरो होना चाहिए. ओके, अगर आप इसको लिखना चाहें समीशन ऑफ EMF, समीशन ऑफ EMF का मतलब जितने भी EMF बनेंगे उनका सम प्लस समीशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है प्लस जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी का जो EMF है उनका जो सम होता है दैट ऑलवेज इक्वल टू जीरो. उनका सम कितना रहता है, दैट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो. तो ये सम जीरो के बराबर रहेगा. ये हम प्रूव करते हैं अब कैसे होगा. ओके, तो पहले हमने कुछ साइन लेने हैं कि ईएमएफ कब किसका पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे. सबसे पहले ये फर्स्ट बैटरी, इससे करंट जो निकल रहा है दैट इज आई1, यहाँ से करंट आया आई1,
इधर से करंट निकला आई टू, यहाँ करंट पहुंचा आई टू। अब आप बी पॉइंट की बात करते हो, बी पॉइंट पे किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगेगा। बी पॉइंट पे ये दोनों करंट इनवर्ड हो गए, बी की तरफ आ रहे हैं आई वन एंड आई टू। इधर जो अब करंट निकलेगा इधर जाएगा, इधर दिस करंट इज आई थ्री। तो अब क्या समझते हो, आई थ्री आई वन प्लस आई टू के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमने किरचॉफ को फर्स्ट रूल पढ़ा है कि आउटवर्ड करंट का सम इनवर्ड करंट के सम, या आउटवर्ड करंट इनवर्ड करंट के सम के बराबर होगा। आउटवर्ड इज आई थ्री, इनवर्ड आई वन प्लस आई टू। तो आई थ्री बनाइए, इसमें करंट आई थ्री गया, यहाँ जाएगा आई थ्री, अब यहाँ ऊपर आई वन चला जाएगा, नीचे आई टू। यहाँ किरचॉफ का फिर फर्स्ट रूल फिर से लग गया, इनवर्ड इसमें आई थ्री हो गया, आउटवर्ड आई वन प्लस आई टू हो गए। तो आई थ्री दोनों में टूट गया, सम बराबर रहेगा, इधर आई टू करंट आ जाएगा, इसमें आई टू आया और ऊपर आई वन जाएगा। ओके, इट मीन्स रेजिस्टेंस आर वन में आई वन करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आर टू में आई थ्री जा रहा है और आर थ्री में आई टू करंट जा रहा है। ओके, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इन टू रेजिस्टेंसेस। तो अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ आपने कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। क्लोज सर्किट लेते हैं हम सबसे पहले, तो क्लोज सर्किट में आपने क्या क्या लेना है देखो इसमें। अब उसके लिए कुछ रूल्स हैं, आपको सबसे पहले क्लोज सर्किट देखना है। क्लोज सर्किट ले लिया ए बी ई एफ ए, क्लोज सर्किट हमने ले लिया ए बी ई एफ ए। हम चले ए से बी, क्या इसमें कोई एलिमेंट लगा हुआ है, नहीं है, छोड़ दो इसको। बी से जब हम ई जा रहे हैं करंट भी फ्लो कर रहा है, बी से ई में क्या करंट चल रहा है I3, थ्री रेजिस्टेंस लगा आर टू। तो हमें वोल्टेज लेनी है एलिमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज लेनी होती है, वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी है। वोल्टेज क्या है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो क्लोज सर्किट बनाते वक्त, बी से ई। ओके, तो अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर लो, अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो आपने करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो वोल्टेज बन जाएगी। वोल्टेज नेगेटिव लेनी है, अगर करंट आपके मूवमेंट की सेम डायरेक्शन में हो तो वोल्टेज नेगेटिव लेनी है। तो मतलब आर टू के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी दैट इज नेगेटिव। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इन रेजिस्टेंस, करंट है आई थ्री, रेजिस्टेंस है आर टू, नेगेटिव। करंट आई थ्री, रेजिस्टेंस आर टू, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, फिर से ध्यान रख लो, अगर हम जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट चल रहा है तो वोल्टेज जो उसकी बनेगी आई आर से वो नेगेटिव आएगी। अब ई से एफ का कोई एलिमेंट नहीं है, एफ से जब ई आते हो तो पहले आपको रेजिस्टेंस मिला, आप कहाँ रहे हो एफ से ए, करंट भी कहाँ चल रहा है एफ से ए, आपके चलने के और करंट के चलने डायरेक्शन सेम है, तो फिर से रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नेगेटिव लेना है। वोल्टेज क्या बनता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो नेगेटिव माइनस आई वन आर वन, माइनस आई वन आर वन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, अब बैटरी आ गई, बैटरी का हमने ई एम एफ लेना है, किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज लेनी है, बैटरी का ई एम एफ लेना है। ओके, बैटरी का आपने पहले कौन सा टर्मिनल टच किया है, बैटरी का टर्मिनल टच किया नेगेटिव, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ए से, यहाँ से भी स्टार्ट किया, जब आप ए से टच कर, ये मत देखना बी से कनेक्ट, आपने पॉइंट देखना बस, आपका पॉइंट ये है। आप ए से बी गए, बी से ई, ई से एफ, एफ से जब ए की तरफ आ रहे हो पहले आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल टच किया। अगर आप नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपने उसका जो ई एम एफ है वो उल्टा लेना, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल टच करते तो पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव टर्मिनल टच करते तो नेगेटिव लेना। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल टच कर रहे हैं इसका पॉजिटिव ई एम एफ आ जाएगा, और इन सभी का सम किसके बराबर लगा, हमने जीरो के बराबर। ओके, तो हमने जीरो के बराबर क्यों रखा, क्योंकि सम ऑफ ई एम एफ और चेंज इन पोटेंशियल उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। ये टोटल पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल अक्रॉस आर थ्री आर टू, ये पोटेंशियल अक्रॉस आर वन, क्योंकि इस क्लोज सर्किट में तो यही रेजिस्टेंस है ना, अगर आप पूरा लेते हैं तो आर वन और आर थ्री आ जाते हैं, आर टू होना आता है उसमें। सो दिस इज द सेकेंड लॉ, एक बार फिर से सुन लो, अगर आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन सेम है तो आपको क्या करना है, करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वो वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस वो आपने नेगेटिव लेनी है। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट उससे पॉजिटिव चल रहा है तो वोल्टेज आपने पॉजिटिव लेनी है। ई एम एफ अगर आपने बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल टच किया तो उसका ई एम एफ पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल टच किया तो ई एम एफ नेगेटिव लेना। सो दिस इज द किरचॉफ्स सेकेंड रूल, दिस इज द किरचॉफ्स सेकेंड रूल। ओके, वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ
Kirchhoff law in the next lecture. So till then, thanks, have a nice day.